हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये है ग्लैडुलस की प्लांट। बहुत ही सुंदर से फूल है ये ग्लैडुलस और इसमें कई रंग आते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ग्लैडुलस के जो कॉम्स होते हैं इसको हम लोग किस तरह लगाएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ कॉम्स मैं खरीद के लाई थी ग्लैडुलस के, और जो कि शायद मैं आपके साथ शेयर भी की थी और लेकिन लगाना नहीं हो पा रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग सब इसको बल्ब्स बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में ये बल्ब नहीं है, ये कॉम्स है। तो ये कॉम्स में देखिए, कुछ कॉम्स में तो आप देख सकते हैं जर्मिनेशन शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग इसको लगाएंगे। कुछ जो कॉम्स है ये मैं ज़मीन में लगाने वाली हूँ और कुछ मैं गमले में लगाऊंगी। तो ये देखिए, आपको पहचानना है कि ऊपरी हिस्सा कौन सा है और निचले हिस्सा कौन सा है। तो अप साइड को अप में ही रखना है और डाउन साइड को डाउन में ही रखना है फ्रेंड। इसके लिए मिट्टी प्रिपेयर आपको करना है, तो मिट्टी में अच्छे से कंपोस्ट आपको डालना है और आप सैंड भी डालें ताकि जो मिट्टी में पानी ना रुके, वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए, और बाकी आप गार्डन सॉयल। तो आप तीनों बराबर हिस्से में डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपको जो कॉम्स है इसको लगा देनी है। और थोड़ा सा ये देखिए, ये चूंकि जर्मिनेट हो चुका है तो इसलिए हमें ये जो इसको थोड़ा सा एकदम बहुत ज़्यादा डीप में इसको ना डालें। इसी तरह हम लोग ज़मीन में भी लगा देंगे फ्रेंड्स। ज़मीन में मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ कि ये जो एरिया है हमारा, ये ऑलरेडी इसमें खाद वगैरह डाला हुआ है। तो इस तरह देखते हुए किधर को नीचे तरफ है, किधर ऊपर तरफ है, देखते हुए आपको थोड़ा सा नीचे इसको लगा देने हैं। इसमें जो फूल, ये कौन से कलर के खिलने वाले हैं फूल, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब हम लोग इसको खरीदते हैं नॉर्मल से शॉप से, प्लांट सेलर से, तो पता नहीं चलता है, वो मिक्स्ड बोल के रखा होता है। और मुझे पांच ही मिला क्योंकि उनके पास था नहीं, और जो भी था ज़्यादा सड़ गया था, तो मैं पाँच ही लेके आई थी। और ये देखिए, इस तरह मैं इसको लगा दी और आप देख सकते हैं मिट्टी पूरा गीला है, क्योंकि लगातार जो सितंबर, मैं बोलूँगी सितंबर एंड से ही यहाँ बहुत बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ में, और तो ज़मीन पूरा गीला है। और ये जो गमले में मैं लगा रही हूँ, गमले को मैं थोड़ा सेमी शेड में रख देने वाली हूँ। और इसको ये देखिए, लगाने के बाद पानी डाल देना है अच्छे से। तो तीन जो कॉम्स मैं ज़मीन में लगाई हूँ और दो मैंने गमले में लगाई हूँ। तो फ्रेंड्स, करीब 10 दिन हो चुका है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह ये जिसके शूट्स है ये निकल आया है ज़मीन के ऊपर। तो ग्रोथ इसका काफ़ी तेज़ी से होने वाला है और देखते हैं फ्लावरिंग हमें किस समय मिलता है। फ्लावरिंग के लिए इसे 2.5 से 3 महीना लग जाता है और इसे अच्छा धूप चाहिए होता है बेस्ट फ्लावरिंग के लिए। और ज़मीन वाले भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ज़मीन के भी दो कॉम्स में शूट निकल चुका है लेकिन जो सेंटर वाला था उसमें नहीं निकला है। तो मैं इसको चेक नहीं करने वाली हूँ कि क्यों नहीं निकला है, मैं थोड़ा दिन और इसको छोड़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी लगा सकते हैं, अभी भी आप लगा सकते हैं। ऐसे तो अगर हम लोग इसको सितंबर में लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी भी आप लगा सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुआ, आप इस अक्टूबर में कभी भी लगाइए फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये इसका प्लांट, ये जो पॉलीबैग है ये पिछले साल का है, और जो इसमें खिला था फ्लावर और हमने इसी में ही छोड़ दिया था, तो अपने आप वो फिर निकल आया है। तो ये देखिए कितना बड़ा प्लांट हो चुका है, और इसमें मुझे लगता है जल्दी हमें इसमें फ्लावरिंग मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।